नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आज से लगभग 7 दिन बाद यानी 10 मई 2023 को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी बीजेपी नेता जमकर चुनाव रैलियां कर रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को सुबह 9:30 बजे दक्षिण कन्नई के मुल्की के कोलनाड में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों के 13 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। कार्यक्रम में सभी बूथों से पार्टी कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुदर्शन मुडुबिद्री ने कहा कि पीएम मोदी की जनसभा में उम्मीद है कि लगभग 2 से 2.5 लाख लोग हिस्सा लें। अधिवेशन के लिए जगह और मंच तैयार कर लिया गया है। वाहनों की पार्किंग के लिए पार्किंग स्थल की व्यवस्था कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मंच पर काम पूरा कर लिया गया है और मंगलवार को सुरक्षा कर्मियों को भी सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को उपट्टू, अवलक्की, मूड और नीडोज और टट के अन्य व्यंजन परोसे जाएंगे। यही नहीं, प्रधानमंत्री के आगमन के लिए 3 हेलीपैड की व्यवस्था की गई है। वे मंगलूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कार्यक्रम स्थल के लिए एक हेलीकॉप्टर लेंगे। सुदर्शन ने कहा कि पीएम मोदी यहाँ के बाद बेंगलुरु से अंकोला के लिए रवाना होंगे और बाद में कित्तूर में एक रैली को संबोधित करेंगे। हालांकि पिछली बार जब कर्नाटक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे तो उनके ऊपर एक मोबाइल फेंकने की वारदात सामने आई थी, जिसमें उनकी सुरक्षा में चूक नजर आई। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेताओं के द्वारा बहाए गए इस पसीने का फल आखिर उन्हें 10 तारीख को मिलता है या नहीं। आपको क्या लगता है? अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।